नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ, तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में थरूर की याचिका पर आज विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। जानिए क्या है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर की याचिका पर विचार करने पर सहमत हो गया है। हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने वाले उनके शिवलिंग पर बिच्छू टिप्पणी को लेकर मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने शाम 6 बजे तक सुनवाई की, जबकि सामान्यतः शाम 4 बजे तक ही सुनवाई की जाती है। पीठ से एक वकील ने अनुरोध किया कि याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की जाए, अन्यथा कांग्रेस नेता को उसी दिन निजी मानहानि शिकायत के संबंध में दिल्ली की अदालत में पेश होना पड़ेगा। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि बस ईमेल भेजिए, मैं अभी इसकी पड़ताल करूंगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 अगस्त को थरूर के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रधानमंत्री के खिलाफ शिवलिंग पर बिच्छू जैसे आरोप घृणित एवं निंदनीय है। उसने अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए संबंधित पक्षों को मंगलवार 10 सितंबर को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।